आफ्टर ज्वाइनिंग तो अब हमें देखना होगा आफ्टर ज्वाइनिंग की कितनी एनर्जी टोटल बनती है क्योंकि पहले हमें निकालना पड़ेगा बिफोर ज्वाइनिंग ताकि हम उससे क्या निकाल सके वी कैन फाइंड द कॉमन पोटेंशियल एंड कॉमन पोटेंशियल के बाद वी कैन फाइंड द टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड तो सबसे पहले बिफोर ज्वाइनिंग के निकाल लेते हैं टोटल एनर्जी बिफोर ज्वाइनिंग सो इट विल बी हाफ हाफ सी वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ़ सी टू वी टू स्क्वायर तो आपके पास सारी वैल्यूज हैं अगर आप ध्यान से देखो तो सी वन भी दिया हुआ है सी वी वन भी दिया हुआ है सी टू बी है वी टू बी है हाफ़ सी वन इट इज़ फोर वी वन क्या है हमारे पास इट इज़ फिफ्टी स्क्वायर देन वी हैव हाफ एज इट इज़ सी टू की वैल्यू कितनी दी हुई है टू और वी टू स्क्वायर कितना दिया हुआ है हंड्रेड का स्क्वायर सो टू से फोर कैंसिल यू गेट टू टू से टू कैंसिल यू गेट हंड्रेड स्क्वायर तो यहां पे आपके पास क्या वैल्यू बची फिट फिफ्टी स्क्वायर विच इज ट्वेंटी फाइव हंड्रेड गया आपका ट्वेंटी फाइव हंड्रेड प्लस हंड्रेड का स्क्वायर एस इट इज इट विल बी थाउजेंड एंड फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका फाइव थाउजेंड प्लस थाउजेंड विच विल बी फिफ्टीन थाउजेंड और अगर हमें इसको जूल्स में लिखना है तो इट विल बी 1.5 पॉइंट फाइव इंटू टेन डेज टू पाइनस टू जूल नेक्स्ट आते हैं अब आफ्टर ज्वाइनिंग द कॉमन पोटेंशियल अब हम निकालेंगे इसका कॉमन पोटेंशियल कितना होगा क्योंकि अब हमारे पास वैल्यू है सी वन वी वन की सी टू वी टू की सी वन सी टू की सो वी कैन फाइंड द कॉमन पोटेंशियल सो दैट वी कैन फाइंड द टोटल एनर्जी आफ्टर जॉइनिंग दैम दोनों को जब ज्वाइन किए तब हमें पो, आ, टोटल एनर्जी निकालना है तो सबसे पहले विल फाइंड वी सी विच विल बी सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू डिवाइडेड बाय सी वन प्लस सी टू सो सी वन की वैल्यू आपके पास है ऑलरेडी दैट इज़ फोर वी वन की वैल्यू है इट इज़ फिफ्टी प्लस यू हैव सी टू वैल्यू इट इज़ टू और वी टू की वैल्यू है हंड्रेड डिवाइडेड बाय सी वन प्लस सी टू विच विल बी सिक्स तो आपके पास कितनी वैल्यू आ गई इसकी कैलकुलेट करेंगे तो 66.67 वोल्ट अब हमें क्या करना है नेक्स्ट चीज़ अब हमें ये देखना है कि हमारे पास वी है अब हमें निकालना है टोटल एनर्जी आफ्टर ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग करने के बाद दोनों की क्या एनर्जी बैठती है तो ये हो जाएगा आपका टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ सी वन प्लस सी टू और इस केस में हमारा जो वी वन होगा और वी टू होगा वो डिफरेंट नहीं होगा उसका क्या होगा कॉमन पोटेंशियल होगा वी सी स्क्वायर सो वी कैन टेक इट आउट तो अब बस आपने वैल्यू प्लेस करनी है इसमें हाफ एज इट इज़ सी वन प्लस सी टू विच इज फोर प्लस टू इन टू वी सी स्क्वायर इज हंड्रेड तो आपको इसकी फाइनल आंसर मिल जाएगा वन पॉइंट थ्री थ्री इन टू टेन डेज टू पार माइनस टू टू सो राइट ऑप्शन आउट ऑफ दिस इज दिस वन बी पार्ट यही आपका आंसर है इसका जूल्स में तो जूल्स में करने के लिए आपको बस माइक्रोफेरेट को किस में कन्वर्ट करना है फेरेट में सो यस दिस इज़ द आंसर फॉर सॉरी नॉट बी पार्ट इट इज़ ए फोर बाय थ्री क्योंकि फोर बाय थ्री आपका वन पॉइंट थ्री थ्री आएगा सो यस इट इज़ ए पार्ट ऑफ इट